हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फोरी ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 3, जो कि अपना विषय होने वाला है इसमें गणित। तो इसमें हम अभ्यास के कुछ प्रश्न देखेंगे, लगभग 100 से ऊपर होंगे, और उसके साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, तो देखिए अपना पहला प्रश्न है, राधिका के पास बीज हैं, यदि 6 बीज और मिल जाएं तो उसके पास 16 बीज हो जाएंगे। राधिका के पास कुछ बीज हैं, अगर उसमें 6 मिला दें तो 16 हो जाएंगे, यानी कि 10। प्रश्न 2, एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं, उसे शतक बनाने के लिए कितने रन बनाने होंगे। देखिए शतक में 100 रन होते हैं, 96 बन चुके हैं, 4 और जोड़ देंगे इसमें तो शतक बन जाएगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकेंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT JEE नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। किस घर की संख्या 442 है? देखिए डी नंबर की संख्या 442 है। संख्या 105 को शब्दों में लिखिए, 105 बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। 100 में कितनी बार 10 आता है? 10 बार 10 आता है, 10 को 10 में जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ओके, इसके बाद संख्या 103 को लिखा जा सकता है, 103 को कैसे लिखा जा सकता है? 100+3 लिखा जा सकता है। आदिम के पास निम्नलिखित 3 कार्ड है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या बनाना है आपको, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले 9 लिख दोगे, 8 लिख दोगे, 6 लिख दोगे। 986 कहाँ पर है? बी नंबर पर, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे देखिए निम्न में से किस में संख्याएँ बढ़ते क्रम में लिखी हैं, बढ़ते क्रम में संख्याएं बतानी हैं, तो देखिए 385, 387, 389 ये आपकी बढ़ते क्रम में संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंकीय है? 3 अंकीय यानी कि देखिए 100 लिखेंगे अपन, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 200 में 3 अंक होते हैं, तो ये अपनी संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या है घटते क्रम में? घटते क्रम में आपको संख्याएं बतानी है, तो देखिए आपका 386, 287, 107 ये घटते क्रम में दी गई हुई हैं, इसको लगा देना है। अब इसके पास प्रश्न नंबर 11, इन संख्याओं को आपको क्रम में लगाना है, सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 4, 5, फिर 7, फिर 8, बी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 12 है, संख्या 569 का विस्तारित रूप है, देखिए 500+60+9, तो ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न 13 है, तो 13 का भी डी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14 है, आपको इसको सबको जोड़कर लिखना है, तो 487 कहाँ पर दी गए? 478 हो जाएगा अपना, तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। देखिए 552 में दहाई के स्थान पर लिखे 5 का स्थान ही मान है, देखो इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर 5 का यानी कि 50। इसके बाद देखिए प्रश्न 16 अपन ने ऊपर ही हल कर चुका है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 666, डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 200, 190, 180, इसी तरह अगली संख्या क्या होगी? देखिए हर में 10 कम हो रहा है, तो इसके बाद बी वाली 170 आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अपन, किस मकान की संख्या 201 है? 201 कहाँ पर है? देखिए 201 ए रही, ए नंबर पर, एक तेल। इसके बाद देखिए एक तेल के टैंकर में 800 लीटर तेल है, कुछ तेल को एक दुकान पर दे दिया, अब 365 लीटर तेल रह जाता है, तो टैंकर में कितना तेल दिया? देखिए 800 में से अगर अपन 365 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाए, देखिए 5, 9 में से 3 एन 7 में से 3 गई 2, नहीं 7, 7 में से 3 गई 4, 435 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 है अपना, राकेश के पास 872 रुपये थे, इसमें से राकेश ने 356 का खिलौना खरीदा, अब राकेश के पास कितने रुपए भी थे? देखिए 872 में से अपन 356 माइनस कर देंगे तो देखिए 12, इसको एक ले लेंगे तो 12, 12 में से 6 गई 6, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 गई 1, इसके बाद 7 बचा, यहाँ पर 7 में से 3 गई 5,
516 रुपये। ए नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सचिन ने दी गई सब्जियां खरीदी 60 रुपये में, गाजर 80, इसके लिए सचिन ने कितने रुपये दिए? टोटल आप जोड़ लेंगे तो देखिए 0, 8, 6, 10 और 8, 18 180 रुपये आपका हो जाएगा टोटल। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 22 से नीचे दी गई आकृति में, इनमें से कितनी आकृति में केवल 3 भुजाएं हैं? कितनी आकृति में केवल 3 भुजाएं हैं? 1, 2 आकृति में केवल 3 भुजाएं हैं, तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। देखिए, 52 लड़के और 56 लड़कियां अगर एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तो अपन को क्या करना है, 52 और 56 को जोड़ देना है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 108 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 24, सरिता ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों में बांटने के लिए 42 उपहार खरीदे। बांटने के बाद उसके पास 2 चीज़ें बच गईं। कितनी चीज़ें बट गईं? यानी कि 40 चीज़ें बट गईं। अगर 42 में से अपन 2 घटाएंगे तो 40 बाकी बढ़ता है। एक जंगल में 27 खरगोश 48 गिलहरी हैं, दोनों की कुल संख्या कितनी है? तो 27 और 48 को अपन को जोड़ देना है। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो देखिए, 7 × 2 = 14 की 5 हासिल किया, 1, 3, 2, 4, 6, 1, 7 75 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, अपना किसी ट्रेन के डिब्बे में 132 व्यक्ति हैं, दूसरे में 129 व्यक्ति हैं, पहले डिब्बे में दूसरे डिब्बे से कितने अधिक हैं? तो आपको क्या करना है, 132 में से 129 माइनस कर देना है। ओके, तो 33 अधिक हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए, प्रश्न 27 है, एक नन्हा कछुआ का बच्चा 33 साल का है, उसकी माँ 150 साल है, तो है माँ ने नन्हा कछुए से कितने साल छोटा है? देखिए फिर से पढ़िए, अब एक नन्हा कछुए का बच्चा 33 साल का है, उसकी माँ 150 साल की है, माँ से नन्हा कछुए कितने साल छोटा है? तो 150 में से अगर आप 33 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो 117 आंसर हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद देखिए, प्रश्न 28 है, एक फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं, बताइए गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 12 × 48 इसमें 12 का गुणा 4 बार करना है, तो 48 आपका आंसर हो जाएगा। अमर के पास 10 रुपए के 10 सिक्के हैं, बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं? 100 रुपए, 10 में 10 सिक्के हैं तो 100 रुपए हो जाएंगे आपके पास। एक विद्यालय एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, बताइए ऐसी 12 बेंचों पर कितने बच्चे बैठेंगे? तो इसमें भी आपको गुणा करना है, तो 48 आ जाएगा, 12 × 48। इसके बाद देखिए, अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई, हर गुच्छे में 5 फूल हैं, बताइए गीता के पास कुल कितने फूल हैं? तो 5, देखिए गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई, प्रत्येक गुच्छे में 5 फूल हैं, 5 × 50 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, रेखा ने 132 राखियां बनाई, यदि वह एक पैकेट में 12 राखियां पैकेट में करे तो कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? देखिए 132 में आपको क्या करना है, 12 का भाग दे देना है, तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 शेष बचेगा, फिर 12 × 12 टोटल 11, तो 11 पैकेट, यानी कि सी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है अपना, एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं, तो 5 कमरों में कुल कितने दरवाजे होंगे? 5 × 10 यानी कि 10 दरवाजे होंगे। 4 × 10 का मतलब है 10 को 4 बार जोड़ने के रूप में लिखना, इसको ऐसा कर सकते हैं अपन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है अपना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे में दी गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो 6 × 5 लिख सकते हैं अपन इसको, तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। गोलू प्रतिदिन 9 घंटे सोता है, एक सप्ताह में वो कितने घंटे सोएगा? एक सप्ताह में 7 दिन हो सकते हैं, 972, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 37 है अपना, एक ट्रे में 25 लड्डू हैं, यदि यह एक डिब्बे में 5 लड्डू रखे तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 25 × 25 यानी कि 5 डिब्बों की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, संजू कक्षा में पहले दिन 28 लड़के 25 लड़कियां उपस्थित हुए, अगले दिन 49 लड़के
और 42 लड़कियाँ उपस्थित हुई। बताइए दोनों दिन कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए? तो आपको क्या करना है, चारों को जोड़ देना। जैसे कि अपन जोड़ेंगे 28, 25, 49 और 42, इनको अपन को जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8, 8, 5, 13, 13 और 5, 13, 5, 15, 15 और 9, 24, 24 की 4, हासिल किया ही 2, 2, 2, 4, 4, 4 दूनी 8, 8 और 4, 12, 12 और 2, 16, 12 और 2, 14, तो 144 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 39, कंचन के बगीचे में 21 कलमी आम के पेड़ और 109 दशहरी आम के पेड़ तथा 25 बनारसी आम के पेड़ लगे हैं, तो बताइए कंचन के बगीचे में कुल कितने आम के पेड़ लगे हैं? तो टोटल आप जोड़ेंगे 21, 109 एंड 25, तो इसका आंसर आएगा 9, 1, 10, 1, 15, 15 की 5 हासिल की 1 आई, तो 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 155, बी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, मीरा बाज़ार गई थी, बाज़ार ने उसमें कुछ सामान खरीदा, खरीदते गए सामान की पर्चियां टोकन नीचे दिए गए, बताइए कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना, तो आपका टोटल आंसर आएगा 960 रुपये। इसको प्लस कर देना, इसको प्लस कर देना, इसको प्लस कर देना, ओके। एक गेंद की कीमत 15 रुपये है, नीचे दिए गए बॉक्स में रखी गेंदों की कुल कीमत कितनी होगी? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 गेंदें दी गई हैं, एक गेंद की कीमत 15 रुपये, तो 15 × 15 = 42, 15 × 42 = 60, 15 × 75 = 90, तो 15 का पहाड़ा करना है आपको, तो 90 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दो संख्याओं का एक 100 है, यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर 55 है पहली संख्या तो इसमें से इसको 100 में से 55 माइनस कर देंगे अपन, तो 45 आपका आंसर आ जाएगा, तो दूसरी संख्या 45 होगी। इसके बाद देखिए एक बंदर 10-10 अंकों की छलांग लगाता है, तो वह 50 अंक के निशान पर बैठा है, तो बंदर को 80 अंक तक पहुँचने के लिए कितनी छलांग लगानी होगी? 3 छलांग, देखिए 50 पर बैठा है, 80 तक पहुंचने के लिए केवल 3 छलांग लगानी होगी, तो 80 तक पहुंच जाएगा। इसके बाद देखिए राजीव के पास 48 पेन है, वह 6 पेन कंपास बॉक्स में रख सकता है, तो राजीव को पूरे पेन रखने के लिए कितने कंपास की आवश्यकता होगी? तो इसमें आपको क्या करना है, 48 में आपको 6 का भाग देना होगा, तो 6 × 6 = 12, 6 × 2 = 26, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 46, 8 = 48, 8 कंपास की आवश्यकता होगी, ओके। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 45 है, राजू 36 टॉफियों को 9 डिब्बों में बराबर बांटता है, प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफियां होगी? 9 × 9 = 39, 9 × 4 = 36, 4 होगी, ओके, 4 आपका आंसर हो जाएगा। 24 टॉफियां 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटी गई हैं, तो कौन सा चित्र सही विभाजन करता है? देखिए 24 टॉफियां 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 8, 6 × 6 = 24, 4 आ जाएंगे, तो देखिए 4, 4 बी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है अपना, दिए गए त्रिभुज के अंदर भीतर कुल कितनी बिंदु हैं? अंदर देखिए 4 हैं और बाहर देखिए 2, 2, 3, 2, 5, टोटल देखिए यहाँ पर देखिए टोटल 8 बिंदु हो गई अपने पास। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं अपन, नीचे दिए गए त्रिभुज के अंदर और भीतर कुल कितनी बिंदु हैं? कुल बिंदु बताना है आपको 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8, 9 बिंदु हैं, तो इसमें 9 तो आंसर ही नहीं दिया गया है यार, कैसा क्वेश्चन है? दिए गए त्रिभुज के अंदर भीतर कुल कितनी बिंदु हैं? 9, ये थोड़ी गलत हो गया है, इसका टोटल 9 हो रही है अपना, तो 9 इसमें आंसर नहीं है, इसको आंसर की में देखेंगे, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे अपन, 5 मीटर साड़ी को 1-1 मीटर दूरी से मोड़ते हुए कितने उसे साड़ी को मोड़ना होगा? 5 बार, 5 मीटर है, 1-1 बार 1-1 मीटर मोड़ेंगे तो 5 बार मोड़ना होगा। कुछ लड़कियां अपने दोस्तों अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की कुल 30 उंगलियां हैं, तो बताइए
मेहंदी लगा रही हैं, कितनी 30 उंगलियां हैं, एक हाथ में 10 उंगली होती हैं एक लड़की की, तो 3 लड़कियां हो जाएंगी अपनी। ओके, तुम्हें 25 केलों को 5 बंदरों में बराबर बराबर बांटना है, तो हर बंदर को कितने केले मिलेंगे, हर बंदर को 5 केले मिलेंगे, तो 5 × 5 अपना डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए आकारों में कौन सा आकार, नीचे दिए गए आकारों में कौन सा आकार चित्त में है, कौन सा आकार चित्त में है, देखिए त्रिभुज, ए त्रिभुज रहा, ए भी त्रिभुज रहा, ए भी त्रिभुज रहा, त्रिभुज आकार में है, तो बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। एक आयत कागज के कोने को मोड़ने पर कितने कोने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कोने बनते हैं, तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा अपना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आयत देखने हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 आयत हैं टोटल, तो 7 आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद देखिए नीचे दिए गई आकृति में कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण होते हैं इसमें, 1 A और 1 A। ओके, इसके बाद देखिए यह आकार प्राप्त करने के लिए आप किस लाइन को खींचेंगे, ए लाइन आकार प्राप्त करने के लिए आप बी वाली लाइन खींचेंगे, किस आकृति में कोना नहीं है, देखिए ए पहिए में कोना नहीं होता है, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए प्रश्नताओं नीचे दिए गए फर्श को बनाने के लिए अगले बगल में कौन सी टाइल लगेगी, इसमें चित्र देखिए आपका ऐसा बना हुआ है, तो ऐसा चित्र किस में है अपना, ए देखिए इसमें सी नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। देखिए 58 पैटर्न की अगली आकृति खाली त्रिभुज एंड वर्ग आयत, आयत के बाद देखिए खाली त्रिभुज एंड आयत, तो इसके बाद खाली आएगा, सी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ए देखिए 5P 6Q 7R 8S 9T, ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 60 नंबर ऊपर दिए गए क्वेश्चन के सवाल हैं, तो इसमें आपको देखना आकृति कैसी बनी हुई है, आकृति देखिए बी नंबर जैसी बनी हुई है, तो आपको बी नंबर का आंसर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए 10 ग्राफ में 5 टुकड़ों के समूह में कितने त्रिकोण हैं, त्रिकोण कितना है, 1 A रहा 1 A वाला रहा 1 A वाला रहा, टोटल 3 हो गए, तो 3 को आप टिक कर देंगे। इसके बाद आयताकार कागज में कोनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी कोनों की संख्या, किस आकृति में कोने नहीं हैं, तो आपको गोल वाली आकृति देखनी है, गोल वाली आकृति में कोने नहीं होते हैं, तो डी आंसर सही हो जाएगा। वर्ग की आकृति है, ए देखिए आयत हो गया, ए आपका वर्ग हो गया, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो आपका डी नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद देखिए इनमें से किस वस्तु में कोनों की संख्या 0 है, तो देखिए ए वाली आकृति कोनों की संख्या 0 होगी, जो अपन गेंद बोलते हैं इसको, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिकोण की संख्या कितनी है, आपको इसमें त्रिकोण की संख्या बतानी है, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 है, तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा आपका। नीचे निम्न में से सीधे किनारे वाली कौन वस्तु कौन सी है, सीधे किनारे वाली वस्तु देखिए ए नंबर है। ओके, इसके बाद देखिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, इसमें टोटल 20 खाने हैं, एक पहले से लगी हुई है, तो 19 टाइल की आवश्यकता होगी। मोम कलर पेंसिल की लंबाई कितनी है, देखिए पेंसिल की लंबाई 7 सेमी है, तो देखिए ए लिखा हुआ है यहाँ पर 7, तो आप ए नंबर के आंसर को टिक कर देंगे। किस वस्तु की लंबाई 4 सेमी है, क्योंकि 4 सेमी ढूंढना है यहाँ पर, 4 सेमी किसकी लंबाई है, पत्ती की, तो पत्ती को टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन अगला अपना है 71, भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड होते हुए बड़े तालाब की दूरी कितनी है, आपको इसको इसको जोड़ देना है, टोटल आपका 13 किलोमीटर आएगा। इसके बाद देखिए कौन सी वस्तु 3 सेमी की, इसमें 3 सेमी की वस्तु बताना, 3 कहाँ है अपना, ए रहा 3, तो 3 सेमी से लंबी है, 3 सेमी से लंबी बताना है, तो लगभग 4 होगा, तो पेंसिल लिखिए 3 सेमी से लंबी है पेंसिल, तो पेंसिल 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 और छाता, ए वाला आंसर हो जाएगा अपना, लंबी वस्तु बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए अपना नीचे दिए गए किस वस्तु की लंबाई सबसे कम है, सबसे कम किस वस्तु की लंबाई, इसकी देखिए 2 सेमी है, ए 3 है, इसकी भी 2 सेमी है लगभग, इसकी भी 2 सेमी है, सबसे कम किसकी है, इसकी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है, तो अपन पेंसिल को लगा सकते हैं, इसमें पेंसिल की सबसे कम लंबाई है। ओके, इसके बाद देखिए घर से विद्यालय की दूरी कितनी है,
तो आपको घर से विद्यालय की दूरी दिखने है, यहाँ पर 0 किलोमीटर, यहाँ पर 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 75 किस वस्तु की लंबाई सामान्यतः मीटर में मापते हैं? तो देखिए पोस्टकार्ड, माचिस, दरवाजे। दरवाजे की लंबाई अपन मीटर में मापते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है? सबसे अधिक लंबाई किसकी है? पेन की। तो अपन पेन को टिक कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए इस पत्ती को इस प्रकार मापते हैं कि पत्ती की लंबाई कितने सेमी होगी? देखिए 3 से, 1, 2, 3, 4 सेमी, 4 सेमी लगा देंगे आप, इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए कौन सी वस्तु 4 सेमी लंबी है? 4 सेमी कहाँ पर अपना? ए दिए गए 4, 4 सेमी कौन सी वस्तु है अपनी? पेंसिल। तो पेंसिल को टिक कर देंगे अपन। इसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन अगला है 79, आयान के पास 3 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है का टुकड़ा है, वह उसे ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से नापता है, तो के स्केल से कितनी बार मापना पड़ेगा? ज्योमेट्री बॉक्स में 6। आयन के पास 30 सेंटीमीटर लंबी रस्सी का टुकड़ा है, वह उसे ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से नाप चाहता है, तो उसे स्केल से कितनी बार मापना पड़ेगा? देखिए ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल होता है 6 सेमी लंबा, तो 6 में अगर अपन 3 का भाग देंगे तो 10 आएगा आपका। ज्योमेट्री 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 तो इसमें आंसर दिया नहीं गया यार, गलत लग रहा है। स्केल से कितनी बार मापना पड़ेगा? तो एक ही बार अपन इसका आंसर 1 लगा देंगे। इसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 80 है, आपकी पानी पीने की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर है, यदि पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो बोतल की लंबाई कितनी होगी? 2 पेंसिल की बराबर है तो 10 से 10, 10 दूनी 20, 20 सेमी होगी आपकी। ओके, बी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए घड़ी के चित्र में क्या समय हो रहा है? देखिए अपना छोटा कांटा है 6 पर, बड़ा कांटा है 12 पर, तो इसका मतलब है 6 बज रहे हैं अपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? इस घड़ी में आपको बताना है 12 और 1 के बीच में अपना छोटा कांटा है, तो 12:30 हो रहे हैं अपने। आपकी शाला प्रातः 10 बजे शुरू होती है, तो कौन सी घड़ी वह समय दिखाती है? 10:30 होती है, तो देखिए छोटा कांटा आपका 10 और 11 के बीच में होना चाहिए और बड़ा कांटा 6 पर, तो देखिए पहला आंसर सही हो जाएगा। 1:84 घड़ी के घंटे की सुई 7 पर है, 7 से 1 तथा पहुंचने में कितने समय लगेंगे? 7 से 1 पहुंचने, 7 से देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, टोटल 6 घंटे लगेंगे आपको। ओके, 6 घंटे लगेंगे। इसके बाद देखिए नीचे की बनी घड़ी में ठीक 4 बजे हैं, किस घड़ी में ठीक 4 बजे हैं? तो छोटा कांटा होना चाहिए अपना 4 पर और बड़ा कांटा होना चाहिए 12 पर, तो ए देखिए सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 86, घड़ी देखकर समय बताएं। तो देखिए छोटा कांटा 3 और 4 के बीच में है, यानी कि 3 से ज़्यादा समय है, तो 3:30 का समय हो रहा है। 87 क्वेश्चन है अपना, यानी 87, एक छात्र सुबह 10 बजे से शाम 4:30 तक शाला में उपस्थित रहता है, तो वह शाला में कुल कितने घंटे उपस्थित रहता है? तो देखिए 10:30 से 11:30, 1:30, 3:30, 4, टोटल 6 घंटे होते हैं अपने, तो 6 घंटे यानी कि ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। पैटर्न को बताना है अपन को, देखिए पैटर्न में अपना 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12, तो 12 यानी कि 2 बढ़ रहे हैं हर संख्या में। इसके बाद पैटर्न की अगली संख्या कितनी होगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें भी आपके विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4, 8, 12, 16, 20, इसमें 4 बढ़ रहे हैं, तो अपना ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसमें देखिए 1, 2, 3, 3 और 2, 5, 5 और 3, 8, 5, इनको अपन को जोड़ते लिखते ले चलना है, इसको जोड़ना है,
पहले दो दो को अपन को जोड़ना है, ओके। तो अपना आंसर आ जाएगा, देखें 8 और 13, 8 और 13 21, 21 और इसके बाद इसको और इसको जोड़ देना है अपन, तो आंसर आ जाएगा 4 और 3 34, डी नंबर, ओके। अपना अगला आंसर देखिए, पैटर्न की अगली संख्या कौन सी होगी, इसमें देखिए 11 प्लस हो रहे हैं, 11, एक में 11 जोड़ेंगे 12, 12 में 11 जोड़ेंगे 23, और 45 में अपन 11 जोड़ेंगे, तो अपना आंसर कितना आएगा, 6 5 56, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी, 1 2 4 7 11, एक में एक जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़े 4, और 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़े 11, 11 में 3 जोड़े, 11 में 4 जोड़ना है अपन को, 11 में 4 जोड़ेंगे तो अपन कितना बनेगा, एक मिनट, 1 2 4 7 11, 2 का अंतर हो रहा है इसमें, तो 2 का अंतर हो रहा है 11 और 2, 13 होता है, 13 के बाद कितना आएगा, 15, 16 आपका आंसर आएगा, 16, 11 और 6 18, सॉरी इसका आंसर अभी एक अपन आंसर की में देख लेंगे इसका आंसर, ओके। तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 94 अपना, पहले ऊपर गया फिर इस साइड, फिर नीचे फिर इस साइड, पहले ऊपर गया फिर इस साइड, फिर नीचे फिर इस साइड, तो देखिए ए वाला चित आपको कहाँ पर दिख रहा है, ए, बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 95 है, पहले गोल है फिर त्रिभुज फिर चतुर्भुज फिर पुल, फिर गोल फिर त्रिभुज फिर चतुर्भुज फिर पुल, यानी कि गोल अगला आकृति गोल होगी। इसके बाद देखिए स्टार है अपना, पहले इस साइड है फिर इस साइड गया, इस साइड है फिर इस साइड गया, फिर इस साइड गया, फिर नीचे आएगा, तो नीचे सी नंबर में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है अपना, त्रिभुज आयत एंड गोल, त्रिभुज आयत एंड गोल, त्रिभुज आयत एंड गोल, फिर त्रिभुज आपकी आकृति फिर से होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, गोल त्रिभुज, त्रिभुज गोल, गोल त्रिभुज एंड त्रिभुज गोल, त्रिभुज गोल कहाँ पर दिया गया है, ए नंबर पर, ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99 अपना, 1 2 3 4, 4 किस में है, ए नंबर में, इसका भी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पहले 2 भरा है, 2 से फिर 4 भरा, 4 से फिर 8 भरा, 8 से फिर पूरा भर जाएगा, ओके, 2 2 बढ़ रहा है, तो बी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 101 क्वेश्चन नंबर है, एक कक्षा में 17 बच्चे हैं, उनके पसंद के एक एक फल पूछे गए, ऊपर प्रदर्शित इसे देखकर बताइए कि सबसे अधिक बच्चे कौन से फल को पसंद करते हैं, अमरूद को सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं, सी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांसे को 12 बार फेंकने पर पांसे के पहलू को 5 बार 2 आया, तो इसे टेलीमॉर्फ में कैसे प्रदर्शित करेंगे, 5 बार 2 आया, तो देखिए ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन नंबर 103 है, नीचे दिए गए टैली चिन्ह को देखकर स्कूटर की संख्या बताएं, तो स्कूटर देखिए एरा 5 10 15 और 4 19, बी नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए नीचे दिए गए चित्र हर एक को देखकर बताइए कि सबसे कम उपस्थिति किस दिवस की है, सबसे कम उपस्थिति गुरुवार की है, यहाँ पर देखिए केवल 2 बच्चे हैं, तो गुरुवार आप आंसर टिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए 105 है, एक साल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का उपस्थिति चार्ट दर्शाया गया है, चित आरेख को देखकर बताइए कि किस कक्षा के छात्र सबसे अधिक अनुपस्थित हैं, तो देखिए कक्षा 2 के छात्र सबसे ज़्यादा अनुपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 106, देखिए क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए चित्तारेख में डॉक्टर के पास गए मरीजों की दी गई संख्या बताइए, मरीज किस दिन डॉक्टर के पास आए थे, नीचे दिए गए चित्तारेख में डॉक्टर के पास मरीजों की संख्या दी गई है, बताइए सबसे अधिक मरीज किस दिन, सबसे अधिक मरीज मंगलवार के दिन आए थे, तो अपन मंगलवार को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है अपना 107, तान्या ने सेल्फ सर्विस स्टोर में सामान खरीदा, सेल्फ सर्विस स्टोर, तो बिल देखकर बताओ कुल कितने रुपए का सामान खरीदा,
तो बिल देखकर आपको बताना है, ये रहा आपका बिल, तो इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए। तो देखिए इसको अपन जोड़ लेंगे तो कितना आएगा अपना, 4 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 5 25, 25 की 5 हासिल किया है, 2 2 3 4, तो वहाँ पर 45, एक दो तीन, एक मिनट थोड़ा गलत हो रहा है, कुछ मैं फिर से जोड़ता हूँ, 4 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 7, 17 18 19 20, 21 22 23 24, यानी कि अपना आंसर 4 आया, आंसर 2 2 2 4, 44.50 पैसे, आपका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 50 लिखे हुए हैं। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है, आपके पास 6 हैं रुपए हैं, आप इन रुपयों को नीचे दी गई कौन सी चीज़ें दो वस्तुएं खरीद सकते हैं, 6 रुपए में कौन सी दो वस्तुएं खरीद सकते हैं। देखिए लड्डू खरीद सकते हैं अपन 2 में, और बिस्किट पैकेट खरीद सकते हैं, लड्डू और बिस्किट के पैकेट, तो अपना बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 109, मैं भोपाल का किराना स्टोर, मैं दिनांक 12 दिया गया, बिल को देखकर बताइए कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, तो आपको फिर से इन सभी को जोड़ देना है तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, 0 8 8 8 2 16, 16 की 6 हासिल किया, 1 2 3 3 6 1 7, 760 रुपये, योग 380, मैंने योग को भी जोड़ दिया था, तो 380 आपका बी नंबर का आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 110 है, दीपक ने कुल 20 रुपए की सामग्री खरीदी, नीचे कुछ सामग्री के नाम और कीमत दी गई, बताइए 20 रुपए की सामग्री में क्या क्या खरीदा, 20 रुपए की सामग्री है तो 10 रुपए की एक पेन हो गया, एंड 7 रुपए की एक स्केल होगी, एंड 3 रुपए का एक रबर हो गया, तो ये 20 रुपए हो जाएंगे अपना। तो ये देखिए पेन स्केल एंड रबर, सी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अपना 111, नाम सामग्री मूल, तो अपन को योग करना है, यहाँ पर योग करना है अपन, तो कितना आंसर आएगा, 8 और 2, 10 का 0 हासिल किया, 1 3 और 1, 4 और 1 5, 5 और 1 150, टोटल कितना आया अपना 150, तो बी नंबर का आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। सेल्फ सर्विस स्टोर दी गई है, इसमें कुल योग 37 दिया हुआ है, तो देखिए एक दुकानदार द्वारा तैयार सामान में बिल में टॉफी का मूल्य क्या होगा, मात्रा 4 है और 12 3 रो, ओके 3 चौक 12 होता है। सो नीचे दिए गए चित्रों में कौन सी वस्तु सबसे अधिक भारी है, भारी देखना है, ईंट टिफिन ईंट सबसे भारी है। इसके बाद तराजू से तौलने वाली वस्तु है, तराजू से क्या तौलते अपन, आलू तराजू से तौलते। नीचे दी गई सारणी में किस छात्र का वजन सबसे अधिक है, किस छात्र का वजन सबसे अधिक है, हरीश का, हरीश सी नंबर, ये देखिए 24 किलो है। इसके बाद आगे देखेंगे अपन, आगे क्वेश्चन है अपना, तराजू को देखकर बताइए कि वस्तु का वजन बांट के बराबर है, ओके आपका ये नंबर का आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से गेहूं से भारी बोरी का वजन कौन सी इकाई का उपयोग करेंगे, निम्न में से गेहूं से भरी बोरी का वजन करने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग करेंगे, किलोग्राम का उपयोग करेंगे। 100 ग्राम के कितने बाँटों का वजन मिलकर 500 ग्राम बनता है, 500 ग्राम यानी कि 5 बाँट, 1 2 3 4 5, बी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 है अपना, एक बाल्टी 16 जग पानी से भर जाती है, एक जग 2 गिलास पानी से भरा जाता है, तो एक बाल्टी पूरी भरने के लिए कितने गिलास पानी की आवश्यकता होगी, 16 कम 16 16 दूनी 32 गिलास पानी की आवश्यकता होगी, अनुमान लगाओ 2 लीटर से अधिक पानी आ सकता है, चम्मच में कटोरी में गिलास में बाल्टी में 2 लीटर से अधिक पानी आ सकता है,
निम्न में से किस विकल्प में संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई हैं? तो आपको बढ़ते क्रम में संख्याएं बतानी हैं। तो देखिए 86, 88, 82 ये गलत हो गया है, 82, 88, 86 ये भी गलत हो गया है, इसके बाद 82, 86, 88 ए वाला आपका सही हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, इनमें से किसका वजन अधिक है जिसमें सबसे अधिक सामग्री समा सकती है? बाल्टी में सबसे अधिक सामग्री समा सकती है। अगला क्वेश्चन है अपना, आधी बाल्टी पानी से पूरा जग भर जाता है, यदि जग 2 लीटर पानी से पूरा भर जाता है तो बाल्टी पूरी भरेगी। आधी बाल्टी पानी से पूरा जग भर जाता है, देखिए आधी बाल्टी पानी से पूरा जग भर जाता है, यदि 2 लीटर पानी से पूरा जग भरता है तो बाल्टी पूरी भरेगी 4 लीटर में। नाइम ने अपने 2 लीटर वाले जग में 1 लीटर पानी भरा, जीतू ने अपने 3 लीटर वाले जग में 1 लीटर पानी भरा, बताइए दोनों के जग में कुल कितना पानी है? 2 लीटर। वर्ष 2020 में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 28। नीचे दिया गया है, देखिए अगस्त 2021 से पहले रविवार, अगस्त 2021 से पहले रविवार की कौन सी तारीख है? अगस्त 2021 के पहले रविवार को कौन सी तारीख है? पहले रविवार को देखिए 1 तारीख है, पहला रविवार ए रहा। इसके बाद देखिए सितंबर 2021 की पहली तारीख को कौन सा दिन है होगा? सितंबर, अगस्त, सितंबर, इसमें रविवार है। एक आंसर आपको कैलेंडर देखकर बताना होगा, सितंबर 2021 की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। ओके, इसके बाद देखिए 2/5/2002 से पता चलता है, 2 मई 2002, 2 मई 2002 ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपने ये आंसर की दही है, यहाँ पर अपने क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, और जो से भी आंसर आपके नहीं हैं मैंने बताए हैं वो आप यहाँ से देखकर टिक कर सकते हैं। इस आंसर की को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू से। तो मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने आज की आंसर की बना दी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।